सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 27-28 अक्टूबर को बातचीत होगी। इस मुलाकात पर दोनों देशों की जनता के साथ साथ दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि अचानक पीएम मोदी के चीन दौरे को लेकर कोई बातचीत का खास एजेंडा तय नहीं है। ऐसे में जिन मुद्दों पर बात होगी वो बेहद अहम होंगे। पीएम मोदी का ये 2 दिवसीय चीन दौरा कई मामलों में अहम है। पिछले साल जिस तरह से डोकलाम को लेकर 72 दिनों तक सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच गतिरोध बना हुआ था, इस दौरान दोनों ओर से तल्ख बयानबाजी भी हुई थी। फिर जिस तरह से एनएसजी में भारत के खिलाफ चीन दीवार बनकर खड़ा हो गया था, ऐसे में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच अचानक इस मुलाकात को एक तरह साहसिक कदम माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर ने मोदी और जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात को एक साहसिक कदम बताया है। जयशंकर का कहना है कि एक अनौपचारिक समिट में हिस्सा लेने के लिए दोनों नेताओं की सहमति ये दिखाती है कि रिश्तों की क्या अहमियत है। बेहतर रास्तों पर आगे बढ़ने के लिए दोनों नेताओं ने जिम्मेदारी को अपनाया है। जयशंकर का मानना है कि दो देशों के बीच आजकल व्यक्तिगत संबंध बेहद अहम हो गए हैं। चीन भी इस बात को बखूबी समझता है और इसलिए ये तालमेल शुरू हुआ है। विकास, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।